गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया अपनी अटेंडेंस सेंड कर दो चैट बॉक्स में। क्लास, मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आई है और मीटिंग में इस टाइम पे 8 स्टूडेंट्स हैं। तो जिन भी 3 ने नहीं की अटेंडेंस, एंड प्लीज सेंड योर अटेंडेंस। अब बाद में नहीं कहना कि मैम अटेंडेंस नहीं लगी हमारी। ओके रिया, आज आपका सेमिनार है राइट? यस मैम। आर यू रेडी मैम? सिर्फ 5 मिनट्स में कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं। ओके 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 श्योर। और किसका सेमिनार है आज? किसी का नहीं? और गुड,
डन मैम. ओके आई हैव अलाउड यू टू शेयर द स्क्रीन, यू कैन स्टार्ट. जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता दो रिया का सेमिनार है एंड आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में सेंड कर रहे हो. एंड रिया हैज प्रिपेयर्ड द टॉपिक. क्या टॉपिक है रिया आपका? एनर्जी एफिशिएंसी एंड इट्स नीड्स. यस. Visible, ma'am. Yes, you can start. So today's topic is about energy efficiency and its needs. So first of all, we have to know about what is energy. What is energy? Energy is ability to work. किसी भी काम को करने के लिए हमें energy की need होती है. अगर हम किसी चीज को move करना चाहते हैं या उस पर कोई motion, कोई change लाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए energy की जरूरत होगी, क्योंकि एनर्जी के बिना हम किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर नहीं रख सकते. तो बेसिकली एनर्जी जो है वो दो टाइप्स की होती है, रेन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी. रेन्यूएबल एनर्जी में होती है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एंड जियो थर्मल एटसेट्रा एनर्जीज. एंड इन रेन्यूएबल एनर्जी देर इज फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर मटीरियल आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ एंड कैन बी डेवलप्ड. नेक्स्ट. तो And we have to know about what is energy efficiency. जब हम किसी एक काम को करने के लिए दो प्रोडक्ट सेम काम कर रहे हैं और उन्हें यूज उनकी जब किसी एक काम को करने के लिए दो जो प्रोडक्ट हैं वो सेम एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जो उसमें से जो लेस एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट माना जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम एक एलईडी 12 वॉट का एलईडी बल्ब जो है वो 75-80% जो है लेस एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एज कंपेयर टू 60 वॉट ट्रेडिशनल बल्ब से, तो इसमें हम जो है 12 वॉट के एलईडी बल्ब को हम एनर्जी एफिशिएंट मानेंगे. दिस इज एग्जांपल. So now, what is the needs of energy efficiency? Energy efficiency simply means using less energy to perform the same task. That is, किसी भी energy waste को बचाने के लिए हमें वो energy products use करना चाहिए जो less energy consume कर रहे हैं. Energy efficiency brings a variety of benefits, reducing greenhouse effect gas emissions, reducing demand for energy imports, and lowering our cost on the household and wide level. तो एज वी ऑल नो कि हमारी जो कंट्री है उसमें पेट्रोलियम जो है वो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं हम, और मैक्सिमम कोल जो है वो हमारा चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होता है, और जो पेट्रोलियम है वो अरब कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं. और इन इंपोर्ट्स की वजह से हमारी कंट्री की जो बहुत सारी इकोनॉमी है वो फॉरेन कंट्रीज में जाती है. बट अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी डिवाइसेस को यूज करके एनर्जी कंजप्शन को कम कर देते हैं तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उससे उसके भी पैसे बचेंगे और हमारे जो हाउस होल्ड की जो कॉस्ट है वो भी काफी हद तक लो हो जाएगी. एंड द थर्ड पॉइंट इज देयर आर एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी फॉर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स इन द एवरी सेक्टर इन द ऑफ द इकोनॉमी, वेदर इट इज बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री और एनर्जी जनरेशन. तो एनर्जी एफिशिएंसी को जो इम्प्रूवमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे हर एक सेक्टर में है. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, यहाँ पर हम एनर्जी एफिशिएंसी डिवाइसेस यूज करके एनर्जी को सेव कर सकते हैं. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट एंड वर्क इनपुट. अगर मैथमेटिकली फॉर्म में देखें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. दैट मीन्स कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. जब हम किसी भी सिस्टम में एनर्जी देते हैं और उस सिस्टम से हमें जो आउटपुट मिलता है दैट आउटपुट इज नोन एज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है बिकॉज जो हमारा वर्क आउटपुट और इनपुट है, जो हम किसी भी वर्क को करने के लिए कोई भी एनर्जी देते हैं तो उसकी कुछ एनर्जी फ्रिक्शन एंड हीट में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी उसकी आउटपुट वर्क लाइक यूजफुल वर्क में यूज हो जाती है. दैट्स द रीजन की एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं होती, उससे कम ही होती है. And the, sorry,
ये कुछ टिप्स हैं, 12 टिप्स हैं जो कि हम एनर्जी एफिशिएंटली घर पे यूज करते हैं, जो हम उसके लिए हम एनर्जी एफिशिएंट यूज कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन लीविंग अ रूम. हमेशा जब भी हम किसी अपने रूम को लीव करते हैं तो अपनी लाइट्स फैंस को ऑफ कर देना चाहिए, जो कि एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंट होगा वो. सेकंड पॉइंट इज स्विच टू एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस. हमें वही एनर्जी अप्लायंसेस यूज करना चाहिए जो लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू जो हाई एनर्जी कंज्यूम करते हैं. यूज एलईडी लाइट्स. एंड फोर्थ पॉइंट इज अनप्लग डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज. हमेशा जो प्लग्स या कोई भी लाइट्स वगैरह के स्विचेस हैं उन्हें ऑफ कर देना चाहिए, उन्हें अनप्लग कर देना चाहिए जब वो हमारे यूज में नहीं होते. कीप थर्मोस्टेट एट लो टेम्परेचर एंड रिड्यूस वाटर कंजप्शन. सेवेंथ पॉइंट इज यूज स्मार्ट ऑटोमेटेड डिवाइसेस. अगर हम स्मार्ट ऑटोमेटेड डिवाइसेस यूज करेंगे तो उससे भी हमारी जो एनर्जी है वो कंज्यूम कम होगी और वो एनर्जी एफिशिएंट की एक टिप मानी जाएगी. स्विच टू डबल ग्लेजिंग. डबल ग्लेजिंग जो होती है उसका मीन है कि टू लेयर्स ऑफ ग्लास विद अ स्मॉल इंसुलेटिंग गैप इन बिटवीन द सेट इन अ विंडो टू रिड्यूस द फ्लो इन ईदर डायरेक्शन. कुक विद द लिड ऑन. कुक विद द लिड ऑन का मीन है कि जब भी हम कोई कुकिंग करते हैं उस टाइम पे एनर्जी जो है वो सेव करने के लिए हमें हीट वाटर इन द केटल, तो हमें एनर्जी कंज्यूम करने के लिए उस लिड को बंद बंद करना देना चाहिए, जो कि जिससे वो जो भी हम कुक कर रहे हैं वो जल्दी कुक होगा और जो है एनर्जी भी है वो कम कंज्यूम करेगा. यूज अ स्मार्ट मीटर टू ट्रैक यूसेज वोट एट अ कोल्ड टेम्परेचर एंड यूज सोलर पावर डिवाइस. सोलर पावर डिवाइसेज यूज करने से भी हमारी जो है एनर्जी काफी हद तक एफिशियंट या कम यूज होगी एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरे डिवाइसेज यूज करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टूडे. थैंक यू मैम. वेरी गुड रिया. ओके स्टूडेंट्स, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन द एनर्जी कंजप्शन टॉपिक? नो मैम. Everyone clear with how to save the energy? Yes, ma'am. Okay. Good. Okay, तो और किस किस स्टूडेंट का सेमिनार है बोलो, या मैं लिस्ट खोल लूं दोबारा? नहीं प्रिपेयर किया या फिर वेट, लेट मी ओपन द लिस्ट नाउ. हर्ष धारनी है मीटिंग में? देवाशीष है? मनजीत सिंह, मोहित, मनजोत, करणप्रीत, नीतिका, साहिल, अमन, मनिंदर एंड अजय. इनमें से कोई कैंसिल कर दो. आपको कैंसिल कर दिया, ठीक है जी. ओके वन मोर थिंग क्लास, जो मैंने आपको लिस्ट भेजी थी उसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसने असाइनमेंट सबमिट करवाई हो बट मुझे लिस्ट भेजने भूल गया हो अपने?